बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जो रेसिपी बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ मलाई टिक्का बोटी। इसके ये दो स्टेप है रेसिपी के, ये मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको मैरिनेशन किस तरह की जाती है वो बताती हूँ, और फिर दूसरा जो इसमें इस्तेमाल की जाएंगी चीज़ें वो। ये चिकन मलाई टिक्का बोटी मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक जो है वो तंदूरी रोटी को मैं उसका रोल बना के उसमें बनाऊंगी, आप नान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो सिंपल बनाऊंगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, ये थाई है, चिकन थाई, ये मैंने ले लिया 1.5 kg। आप ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे थाई पसंद है इसलिए मैंने ये थाई ले लिया है। ग्रीन चिली ये 10 ले ली है, इनको इस तरह रफली काट लिया है। पार्सले ये एक स्मॉल बॉल ले लिया है। ब्लैक पेपर ये 3 टीस्पून है, आप वाइट पेपर भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक 2 टीस्पून, लहसुन 6 जवे, डबल क्रीम 270 मिलीग्राम मैंने ले ली है, योगर्ट 4 टेबलस्पून। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अब इसको मैं ना पार्सले और जो है ग्रीन चिली और लहसुन इनको हैंड ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी को मैं ऐड करूँगी। ये देखें इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं चिकन में योगर्ट डालूंगी। फिर साथ ही ये क्रीम डाल दूंगी। साथ नमक, काली मिर्च और ये जो बैटर बनाया था पार्सले और ग्रीन चिली का, इसको डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी और मैं दूसरे दिन इसको बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप 2 घंटे 3 घंटे इतना कर लें, जितना भी ये मैरिनेट होगा उतना मज़े का और अच्छा बनेगा। ये हमारी मैरिनेशन होगी। सबसे पहले हमने इनको स्केवर पर लगाना है, तो दो तरीके से ये मैं बना रही हूँ। पहले ये मैं आपको तरीका बताऊँगी, मेरे हैंड वॉश हैं, इसको हमने इस तरह करके लगाते जाना है। एक एक आपने ले लेनी है ये बोटी को और इसको लगाते जाना है। और जब लगाना है ना बोटी को, इसका इतना फासला आपने थोड़ा थोड़ा रखना है। इनको मैंने पहले ना पानी में गीला कर लिया था, काफ़ी देर रखा था इनको, तकरीबन 1 घंटा।
इतना इतना ताकि पकने में ना। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। इसी तरह दूसरी को मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा फासला रखेंगे ना तो वो पकेंगी सही। फासला देके इसको 5-5 लगा रही हूँ। इसी तरह हमने सारी जो सी हमको रेडी कर लेना है। अब इसमें एकदम हमने ज्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डाला है, उसमें ये हम रख देंगे। आंच पहले बिल्कुल आपने लो रखनी है। जब एक साइड से पक जाएंगी तो फिर हमें उनको पलट लेंगे। ये देखें जो मैंने स्टिक पे लगा के बना रही थी, ये इस तरह फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा इनको फ़र्क रह गया है तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अब जो मैं तंदूरी रोल साथ बनाऊंगी उसके लिए जो चीज़ें चाहिए और डेकोरेशन के लिए भी चाहिए चीज़ें, वो ये हैं। लेटस लिया है मैंने, एक बॉल ले लिया है और इसको इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। शिमला मिर्च ली है, ये तीन कलर की लेके इस तरह इनको लंबा काट लिया है। प्याज आधा लेके, मीडियम साइज़ का आधा प्याज लेके इसको छोटा छोटा इस तरह काट लिया है। बेबी क्यूकम्बर लिए हैं, उनको भी इस शेप में मैंने काट लिया है। एक मीडियम प्याज लेके उसको रिंग की सूरत में इस तरह काट लिया है। इसकी ये मैं डेकोरेशन में इस्तेमाल करूँगी। शिमला मिर्च ये क्यूब की सूरत में तीनों कलर में मैंने काट ली हैं, इनको भी मैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूँगी। बटर 20 ग्राम लिया है। ऑयल एक खाने बनाने वाला मैंने चम्मच ले लिया है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। एक कोयला ले लिया है, इसको स्मोकी टच देना है मैंने। दो मीडियम प्याज लेके उनको इस तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने ऑयल और बटर डाला है, अब वो गर्म हो गया तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए इसको मैं सोते होने दूंगी तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। जब प्याज इस तरह थोड़ा सोते हो जाए तो इसमें फिर मैं डालूंगी ये सारा चिकन। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें जो रोल मैंने बनाने हैं तंदूरी रोटी के, उसके लिए ये मसाला रेडी हो गया है। अब इसको
कोयले के साथ स्मोक दूंगी। उसके लिए फ्लेम बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है और अब ये जो स्टिक हैं इनको मैं एक साइड पे इधर रख दूंगी एक दूसरे के ऊपर। इसका कोई मसला नहीं, अगर मसाला इसको लग भी जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा इनका स्टिक का। मेरे पास ये स्टील का है एक प्याला सा बना हुआ है, इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी और जो कोयला है उसको मैंने गर्म किया हुआ है उसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगी। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी रोल किस तरह बनाना है। तंदूर की आपने रोटी ले ली है, मैंने साथ थोड़ी सी मिंट की चटनी भी बनाई है, इसको लगा लूंगी। इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है अपनी वीडियो में, हल्की सी लगाऊंगी ज़्यादा नहीं। आप लगाना चाहते हैं ठीक है, वरना स्किप कर दें इसको। अब थोड़े से लेटस डाल दूंगी, वो ज़्यादा नहीं इसको करना, थोड़ा थोड़ा ना। साथ ही ये शिमला मिर्च, और प्याज, और थोड़ा इसको इस तरह डाल दूंगी। अब जो ये चिकन मलाई टिक्का बोटी है इसको मैं इसमें इस तरीके से डाल दूंगी। इसको इधर से और इस तरीके से करना है। साथ ही ये मैंने किचन फॉइल ले ली है, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह लपेटूंगी मैं। ये हमारा रोल रेडी है। इसी तरह मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। अपनी रोटी ले ली थी रोल की, हल्की सी ऊपर मिंट की आपने चटनी लगा लेनी है। इसमें मेयोनेज़ वगैरह कुछ भी नहीं मैं लगाऊंगी क्योंकि उसमें क्रीम वगैरह ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, योगर्ट और क्रीम मलाई टिक्का मलाई बोटी में। शिमला मिर्च इस तरह डाल देंगे और साथ थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही आप रोल भी बना सकते हैं, खाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें। इसको इस तरीके से करके फॉइल ले ली, इसी तरह सारे रोल हमने बना लेने। ये हमारी चिकन मलाई टिक्का बोटी और इसके रोल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।